नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए मेडिकल कंडीशन को लेकर हमारे चैनल के माध्यम के थ्रू। आज का टॉपिक दोस्तों एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये बढ़ती हुई समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, जिसे हम आमतौर पर ओबेसिटी या मोटापा या मराठी में लठ्ठपना बोलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दिनों दिन फंक्शन के लिए, शरीर के फंक्शन के लिए कुछ मात्रा में फैट की ज़रूर होती है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश फैट की मात्रा अगर बढ़ने लग जाए और वो इतनी बढ़ जाए कि उसकी वजह से कुछ बीमारियां आना चालू हो जाए, तो वो शरीर पे विपरीत परिणाम करती है, जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा या ओबेसिटी ये पहले ज़माने में वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये हिंदुस्तान में भी आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, एक अनुमान के हिसाब से हिंदुस्तान में इस समय 13 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात करें तो करीब 15% लोग पुरुष मोटापे से पीड़ित हैं और 18% महिलाएँ मोटापे से पीड़ित हैं। अब मोटापा होता कैसे है, तो एक सीधा सा हिसाब है कि हमारे शरीर को रोज के दिन के काम करने के लिए एक अमुक अमाउंट की ऊर्जा या एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारा कंजम्पशन उस अमाउंट से अगर ज़्यादा हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो हमारे शरीर में जमा होने लगती हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक बैंक अकाउंट ले लीजिए। आपकी अगर इनकम मान लीजिए 1,00,000 रुपये है और आप महीने के 60,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 40,000 रुपये आपके अकाउंट में हर महीना बढ़ते चले जाएंगे और वो कुछ महीनों में, कुछ सालों में एक बड़ा रूप ले लेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में होता है। अब मोटापे को लेकर हम लोग इतने चिंतित क्यों हैं, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स? तो दोस्तों, मोटापा हम कैसे दिखते हैं केवल वहाँ तक ही सीमित नहीं है। मोटापे की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां, जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर में आती हैं। मेनली तीन कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी की वजह से कई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी, PCOD लेडीज़ में, स्लीप एपनिया, जोड़ों के दर्द, हार्ट प्रॉब्लम्स इत्यादि आना चालू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मोटापे की वजह से काफ़ी हद तक इग्नोर होते हैं, लेकिन जो आदमी वज़न ज़्यादा होता है उसमें एक डिप्रेशन की भावना होती है, एक उसका कॉन्फिडेंस चले जाता है, एक सेल्फ एस्टीम बोलते हैं वो उसकी चले जाती है। जहाँ तक सोशल प्रॉब्लम्स की बात है, कॉमन होता है आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन। एक ओबेज आदमी पब्लिकली या सोशली जाना पसंद नहीं करता है, उसके अनेक कारण हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की वजह से इंसान की प्रोडक्टिविटी कम होती है, इंसान की एफिशिएंसी कम होती है, उसका सीधा असर उसकी इनकम इकोनॉमी पर पड़ता है और ऑब्वियसली उसका असर उसके फैमिली पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओबेसिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका असर केवल इंसान पर ही सीमित नहीं होता है, उसके परिवार और कुछ काफ़ी हद तक उसके समाज पे भी उसका असर धीरे धीरे पड़ने लगता है। अब ओबेसिटी को मेजर कैसे किया जाए? ओबेसिटी के मेजर करने के वैसे कई तरीके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तरीके कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन एक आसान तरीका आप हम लोग जो कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI, जो कि अपना वज़न किलोग्राम में और हमारी हाइट मीटर में उसका वो अनुपात होता है, जिसका कि फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे आपके सामने दिया है। एक अनुसंधान के हिसाब से ये पता चला है कि अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हर 10 किलो पे आपकी उम्र 1 साल से कम होती है। ये भी देखने में आया है अनुसंधान में कि अगर आपकी उम्र 40 है और आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है और अगर वो वज़न वैसा ही रहा, तो आगे जाके आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपका लाइफ स्पैन 10 साल से कम हो जाता है। अब जानते हैं ये वज़न बढ़ता क्यों है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि ये
बीमारी पहले वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित थी, 70 के दशक में, 80 के दशक में, और तब हम लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ यह प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। लेकिन पिछले 20-25 साल में हमारी जीवन शैली में, हमारे समाज में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि ये बीमारी अब हमारे यहाँ भी एक बड़ा रूप धारण कर चुकी है और आगे करने वाली है। इसका एक मुख्य कारण है कि एफ्लुएंस, यानी हम लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, हम लोगों के पास खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा आ गई है, इसलिए हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स में जाना इत्यादि करने लगे हैं। उसके अलावा आज बाज़ार में हाई कैलोरी फूड और हाई कैलोरी ड्रिंक्स काफ़ी सस्ते रेट में अवेलेबल हैं, जो कि 30 साल पहले नहीं हुआ करते थे। हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक डेस्क जॉब वाली हो गई है, हम लोग फिज़िकल काम आजकल नहीं करते हैं। उसके अलावा वर्क प्रेशर और हमारे वर्क टाइमिंग्स के वजह से हम लोग जैसा चाहिए वैसे फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो कुछ मेडिसिंस पे हैं उसकी वजह से भी वज़न ज़्यादा हो सकता है, जेनेटिक्स का भी इसमें एक रोल है वज़न बढ़ने में, और एक छोटे तबके में परसेंटेज में कुछ लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी वज़न बढ़ता है, हालांकि उसका परसेंटेज 2% से भी कम है। एक आम धारणा यह है कि वज़न बढ़ने का कारण हार्मोन इम्बैलेंस होता है, वैसा नहीं है, वो काफ़ी छोटा परसेंटेज होता है। अब वज़न कम कैसे किया जाए, ये कॉमन सवाल पूछा जाता है। तो वज़न कम करने के मेनली 3 तरीके होते हैं, एक होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा होता है मेडिसिंस, और तीसरा होता है सर्जरी। लाइफस्टाइल चेंजेस की जैसी बात है, मेनली हमारे यहाँ डाइट पे जोर देते हैं और एक्सरसाइज। डाइट जो कि हाई कैलोरी डाइट है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड घी वाले पदार्थ, वो कम सेवन करें। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, फ्रूट्स, इनका ज़्यादा सेवन करें। फिज़िकल एक्सरसाइज आपकी जीवन शैली में, आपके वर्क टाइमिंग्स में, आपको जो भी सूट हो, सभी एक्सरसाइज अच्छी होती हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, जो भी कर सके आप उसको ज़रूर करिएगा। कुछ चुनिंदा लोगों में हम लोग मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मान लो ऊपर की दोनों मेथड्स अगर फेल हो जाती है, या तो इंसान का वज़न काफ़ी ज़्यादा है और वो ज़्यादा वज़न की वजह से उसके हेल्थ पर असर पड़ रहा है, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया की वजह से, तो हम लोग उन लोगों में बैरिएट्रिक सर्जरी यानी ओबेसिटी सर्जरी रिकमेंड करते हैं। एक सर्जरी लोगों को जब सजेस्ट की जाती है तो सर्जरी का एक ऐसा माना जाता है कि काफ़ी हाई रिस्क होगी, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक बैरिएट्रिक सर्जन, एक ओबेसिटी सर्जन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्जरी के ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20-25 साल से काफ़ी अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। सर्जरी आजकल के मेडिसिंस और हमारे जो बैकअप है उसकी वजह से काफ़ी सेफ है, और ख़ासकर जो ओबेसिटी की वजह से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, डायबिटीज़ इत्यादि, उसके ऊपर सर्जरी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सर्जरी के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको और अधिक जानकारी दूंगा। सर्जरी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, सभी में नहीं की जाती सर्जरी, सर्जरी अलग अलग टाइप की होती है, वो अलग टाइप हम किन इंसानों पे, पेशेंट्स में कौन सी सर्जरी चुनते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको और अधिक जानकारी अगले एपिसोड में दूंगा। तो दोस्तों, मैं इसे आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में हमने आपको ओबेसिटी या मोटापे के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ दी हैं वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आगे यूज़फुल साबित होंगी। जैसे मैंने बताया कि अगले एपिसोड में मैं आपको ओबेसिटी या बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आपको और अधिक जानकारी अगर चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक में मुझे विजिट कर सकते हैं। आपको अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जी हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।